दिल्ली में कत्ल की ऐसी खौफनाक दास्तान सामने आई है जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। ये खबर दिखाती है कि राजधानी में मासूमों में आपराधिक प्रवृत्ति किस कदर बढ़ रही है। द्वारका सेक्टर 23 में रहने वाला दो नाबालिगों ने तीसरी क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे की हत्या कर दी। हत्या की वजह फिरौती बताई जा रही है। हालांकि पहचान लिए जाने के खौफ से लड़कों ने उसकी हत्या कर दी। दिल्ली के द्वारका इलाके में 9 साल के एक मासूम बच्चे का अपहरण के बाद कत्ल कर दिया गया। इस मामले में यहाँ की पुलिस ने दो नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया है। जानकारी ये निकल के सामने आई है कि वो दोनों इस बच्चे से जानकार थे, आसी पास उन दोनों का घर था। इस वक्त हम मौजूद हैं वहीं पर द्वारका सेक्टर 23 इलाके में जहाँ पर उस बच्चे का घर है। बताया जा रहा है कि 28 तारीख की रात तकरीबन 8:30 बजे के आसपास वो बच्चा घर के बाहर से ही गायब हो गया। दरअसल लोगों का ये कहना है कि जो दोनों आरोपी हैं उनकी बहुत ज़्यादा जान पहचान हो गई थी उस मासूम बच्चे के साथ। पिछले काफ़ी समय से वो इस फिराक में थे लगता है, क्योंकि इसी वजह से उन्होंने उस बच्चे के साथ गहरी दोस्ती की थी। और उसके बाद फिर मौका देख कर 28 फरवरी की रात तकरीबन 8:30 बजे के आसपास उस बच्चे को ले करके गए और फिर पास ही में एक खाली प्लॉट है जहाँ पर ले जा करके उन्होंने उस बच्चे का कत्ल कर दिया। उसके बाद लोगों को गुमराह करने के लिए वो पुलिस के साथ और परिवार वालों के साथ ही मौजूद रहे ताकि किसी को उन पर शक ना हो। लेकिन जब घर वालों को उन दोनों के बिहेवियर पर शक हुआ, पुलिस को इस बारे में जब पता चला, तो पुलिस ने जब उन दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने सारा सच उगल दिया। पुलिस का यहाँ पर अब ये कहना है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले की साजिश रची उन दोनों नाबालिगों ने और जिस तरीके से इस कत्ल और अपहरण के मामले को अंजाम दिया, वो काफ़ी ज़्यादा मामला जो है वो सीरियस है। और यही वजह है कि पुलिस इस वक्त ये जांच कर रही है कि जो दोनों आरोपी हैं उनकी उम्र क्या है, क्या सच में वो जुवेनाइल हैं, क्या उनकी जो मार्कशीट है पुलिस उसकी जांच पड़ताल कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अगर ये दोनों जुवेनाइल नहीं हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा सके। कैमरामैन जयनेन्द्र के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। सरकार का ये कहना है कि पीपीएफ पर टैक्स नहीं लगेगा, जबकि ईपीएफ में 40% से ज्यादा रकम की निकासी पर ब्याज लगेगा। आखिर ईपीएफ कर्मचारियों के लिए कितना मायने रखता है ये आपको बता। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो।